So hi guys, welcome to Accidental Doctor YouTube channel. So here we discuss about all the counseling process, different colleges की regular update, उनके features, सब जो आपको पता होना चाहिए अपने colleges, medical college के बारे में. So we provided all here. So आज हम discuss करने वाले हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के बारे में. वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, बट हियर इज द कॉलेज विल टॉक अबाउट द वी आर टॉकिंग हेयर इन दिस सीरीज. हम दूसरी स्टेट के बारे में बात करें, विच इज़ कर्नाटका, और काफ़ी डिमांड में रहती है स्टेट. तो इसका जो कॉलेज है काफ़ी अच्छा है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैंपागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है. इसके सारे एक्सटर्नल फीचर्स, इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज, इसके कॉलेज की जो भी फीचर्स है, वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस इट हेयर. तो आज का कॉलेज काफ़ी अच्छा है. एक्चुअली कर्नाटका के सारे कॉलेजेस ही हमेशा काफ़ी डिमांड में रहते हैं. पहले जो कर्नाटका की स्टेट थी वो ओपन फॉर ऑल थी, जैसे कि यूपी है, बट अब इसका रिजर्व थोड़ा अपनी स्टेट की जो लोग हैं उसमें रिजर्वेशन हो गया है. बट एनीवेज लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉलेज, काफ़ी अच्छा है. सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट कॉलेज का 1980 में हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है. उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस इसकी जो है वो फर्स्ट ईयर की 9,94,406 रुपीज़ है. उसके बाद अगर आपकी टोटल ट्यूशन फीस की अगर हम बात कर लें तो दैट इज़ योर 44,74,827 रुपीज़, जो आपकी टोटल ट्यूशन फीस पड़ती है. उसके बाद द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कट ऑफ फॉर द फर्स्ट राउंड इसमें जाती है रैंक आपकी 18,544 पे इसकी लास्ट रैंक गई थी, जो कि कट ऑफ गई थी, और मार्क्स थे 601 मार्क्स पे इसका फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कट ऑफ फॉर द सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड में कट ऑफ थोड़ी कम हुई थी, विच इज़ योर 22,840 रैंक पे कॉलेज मिला था, विच वॉज योर 585 मार्क्स पे आपको लास्ट कॉलेज इसमें मिला था. और तो कट ऑफ थोड़ी हाई, मतलब जैसे कि यूपी के कॉलेजेस में हमने डिस्कस किया कि उसमें थोड़ी कम जाती है, इसमें हमेशा हाई जाती है. जो बाहर के कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए हाई ही रहती है. तो आप अपने मार्क्स के रेंज के हिसाब से ज़रूर देखिएगा, एंड देन इफ़ योर ऑन द लोअर साइड ऑफ मार्क्स थोड़े से आपके 400, और अगर आपके थोड़े हायर साइड है मार्क्स, जो भी है उस हिसाब से आप स्टेट सेलेक्ट करिए और उसके बाद अपने कॉलेजेस डिसाइड करें. सो वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. चलो नाउ आगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 150 हैं. उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैंपस फैसिलिटीज़ वगैरह. तो इसका कैंपस 14 एकर्स में है, और कैंपस फैसिलिटीज़ में जिम है, लाइब्रेरी है, कैफ़ेज़ हैं, ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल है, और बाकी जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड, और जो भी आपके स्पोर्ट्स के लिए भी थोड़ा ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल है. तो कॉलेज का ऑल इन ऑल कैंपस ठीक ठीक है. और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़. तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं. बाकी अकोमोडेशन पर रूम, एक रूम में कितना अकोमोडेशन है कॉलेज हॉस्टल्स में, तो फर्स्ट ईयर में आपके 3 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं. उसके बाद सेकेंड ईयर से यू गेट 2 पर्सन्स, तो लोगों का आपका 2 सीटर रूम्स हो जाते हैं सेकेंड रूम्स. सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में आपके 3 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं. उसके बाद अगर हम इसका पेशेंट फ्लो डिस्कस करें तो पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कॉलेज पुराना है और जो कर्नाटका के कॉलेजेस हैं उसमें पेशेंट फ्लो अच्छा है. और उसके बाद इंटर्नशिप स्टाइपेंड दे गिव इज 26,300 रुपीज़, जो कि सारे कॉलेजेस का इन कर्नाटका सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट में फिक्स करा हुआ है. तो दैट इज़ 26,300 रुपीज़. तो जो अगर हम बात करें, पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है. 810 बेडेड हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी बड़ा है, जो भी है, सो दे आर ऑल गुड पार्ट ऑफ द कॉलेज. तो हम आई थिंक यू होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो. सारी जो डिटेल है वो काफ़ी, वी वर्क अ लॉट ऑन इट एंड देन गेट यू दीज ऑल डिटेल्स, एकदम करेक्ट डिटेल्स. सो और उसके बाद वीडियो पूरा देखो और कैंपस टूर ले लो, एंड होप यू लाइक द वीडियो. डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.